नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर वरना जाग गया तो चीर फाड़ देगा। बड़ी बात तो यह है कि वही गलती इस्लामिक देशों ने कर दिया, फिलिस्तीन वालों ने कर दिया, हमास ने कर दिया, इजराइल को जबरदस्ती जगा दिया। अब जानते हैं अब तक इजराइल पे कम से कम 1200 से अधिक रॉकेट दाग दिया। अब दोस्तों इजराइल खासतौर पे मैदान में आ गया है, इजराइल खासतौर पे पागल हाथी जैसा हो गया है। अब बोल रहा है कि हम सबको मारेंगे, यहाँ तक कि सऊदी को मारेंगे, ईरान को मारेंगे, तुर्की को ख़त्म करेंगे, फिलिस्तीन को तो कब्जा ही कर लेंगे। दोस्तों इजराइल ने जो मुहिम शुरू किया है ना, बेंजामिन नेतन्याहू और खासतौर पे वहाँ के जो डिफेंस मंत्री है, उन्होंने बहुत बड़ा आक्रमण किया है खासतौर पे फिलिस्तीन में, खासतौर पे हमास में। दोस्तों अब तक कम से कम 70 आदमी मारा जा चुका है। दोस्तों खासतौर पे आतंकवादी को ख़त्म कर दिया गया है। और बड़ी बात तो यह है कि 10 से 20 हज़ार सैनिक को इजराइल ने मैदान में उतार दिया, बोल दिया कि जाओ गाजा पट्टी की ओर जाओ, अब बहुत जल्द ये गाजा पट्टी हमारे अंदर में आने वाला है। दोस्तों इजराइल ने खासतौर पे अपना टैंक हो गया, अपना परमाणु बम हो गया, अपना तमाम डिफेंस सिस्टम हो गया, सबको तैनात कर दिया है। और दुनिया में अब खतरा मंडरा रहा है, दुनिया बोल रहा है कि अब क्या होगा भगवान जाने। अब खासतौर पे फिलिस्तीन के नेता और हमास के नेता, इतना ही नहीं अब इस्लामिक कंट्री ओ आई सी सब बोल रहा है कि इजराइल को रोको, इजराइल तो अब मारने मरने पर तुला हुआ है, इजराइल को रोको। दोस्तों इस तरह का मुहिम चल रहा है, सब बोल रहा है कि इजराइल यहाँ पे युद्ध करवा रहा है, इजराइल अगर युद्ध करवाएगा तो हम लोग देखेंगे, हम लोग इजराइल को नरक बना देंगे, इजराइल को जल्दी रोको। दोस्तों इस तरह की बातें मुस्लिम कंट्री अब बोल रहा है, खासतौर पर इजराइल को सब रोकने के लिए बोल रहा है। और इसी बीच क्या हुआ है, दुनिया के तमाम देशों ने इजराइल का खुला समर्थन कर दिया है, जर्मनी से लेकर अमेरिका, अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि इजराइल का पूरा अधिकार है, इजराइल को पहले जो छेरा है 1200 रॉकेट दागा है, अब उसके पास पूरा ऑफर है, अब जाके कहीं भी वो हमला कर सकता है, किसी को भी हड़प सकता है, हम कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार फिलिस्तीनियों को क्या काल आया था, आखिरकार फिलिस्तीनियों को सर पे राहु केतु मंडरा रहा था, आखिरकार जबरदस्ती पंगा क्यों लिया, आखिरकार हमास वालों ने इजरायली से पंगा क्यों लिया। दोस्तों अमेरिका ने हाथ खड़ा कर दिया है, बोल दिया है अब सब कुछ इजराइल के हाथ में है, जर्मनी भी सेम बात बोल दिया है, इजराइल को पूरा ऑफर है, जो मन है वो करे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे छेड़ा गया है। अब इसी बीच दोस्तों भारत में एक घमासान शुरू हो चुका है, भारत में कुछ लोग हैं ना खासतौर पे अपने सरकार को घेर रहा है, बोल रहा है कि मोदी सरकार अभी तक चुप क्यों है, आखिरकार हमारा एक नागरिक इजराइल में मारा जा चुका है, वो भी हमास के हमले में, आतंकवादी के हमले में मारा जा चुका है, आखिरकार हम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है, इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं, इजराइल के लिए कुछ बयान क्यों दिए, इजराइल तो हमेशा हमारा साथ दिया है। और बड़ी बात तो यह है, इसी बीच भारत का एक क्रिकेटर है जिसका नाम है इरफान पठान। दोस्तों इरफान पठान ने ट्विटर पे लगातार 2 ट्वीट किया, पहला ट्वीट तो क्या कि हम तमाम देशवासियों से, दुनिया वालों से अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सबके सामने में हाथ फैला रहे हैं, फिलिस्तीन में जो हो रहा है आप लोग इजराइल का विरोध कीजिए, और कोई भी लोग चाहे हिंदू हो या फिर कोई भी हो खासतौर पे इजराइल का समर्थन ना करे। दुनिया में मानवता का भी एक धर्म होता है, मानवता भी एक देश है, हम लोग को इंसान को बचाना चाहिए। इजराइल अब खासतौर पे हमास को मिटाने के लिए तुला हुआ है, खासतौर पे फलस्तीन को मिटाने के लिए तुला हुआ है, कृपया करके तमाम लोग इजराइल पे प्रेशर बनाए, दबाव बनाए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों इरफान पठान ने लगातार 2 ट्वीट किया खासतौर पे, तमाम लोगों को बोला कि आप कोई भी खासतौर पे फिलिस्तीन के खिलाफ ना जाए, केवल फिलिस्तीन का समर्थन करे, और खासतौर पे लोगों को मरने से बचाए, इजराइल को रोकने के लिए बोलिए। दोस्तों इस तरह का ट्वीट कौन किया, इरफान पठान किया। अब बड़ी बात तो यह है कि उसी के जवाब में कंगना रनौत ने दोस्तों बहुत बड़ा बयान दे डाला, बहुत बड़ा इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर कर दिया। आप जानते हैं दोस्तों कंगना रनौत को ट्विटर से हटा दिया गया है, खासतौर पर बैन कर दिया गया है, हमेशा के लिए उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि कंगना ने बंगाल में जो हुआ था, हिंदुओं पे जो हिंसा हुआ था, उस पर एक ट्वीट किया था, और ट्विटर ने उसे हटा दिया, बोला कि कंगना तो यहाँ पे दंगा फैलाना चाहती है, कंगना रनौत बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों इस तरह के इल्जाम लगा के डोनाल्ड ट्रंप के बाद खासतौर पर कंगना को सस्पेंड किया गया है। और बड़ी बात तो यह है कि कंगना को एक विलन बता दिया गया, लेकिन उसके पास एक मौका और है। अब जानते हैं ना बहुत सारे ऑप्शन होता है, ट्विटर नहीं तो क्या इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम पे कंगना ने लिखा कि कुछ देशवासी है, खासतौर पर इरफान पठान है, उसे फिलिस्तीन का बहुत चिंता है, फिलिस्तीन यहाँ से कितना दूर है,
इसराइल का बहुत चिंता है, इसराइल का लोग क्या कर रहा है उस पर बहुत ध्यान है, लेकिन हमारे ही देश में बंगाल में किस प्रकार से हिंदुओं को मारा गया, किस प्रकार हिंदुओं को काटा गया, किस प्रकार से अत्याचार हुआ, किस प्रकार इलेक्शन के बाद वहाँ पे नरसंहार हुआ, आखिरकार इरफान पठान कहाँ पे तेल देकर सो रहे थे, आखिरकार ये इरफान पठान कहाँ गया था, आखिरकार इनका दोहरा चरित्र दिख गया है। और यही सबका चरित्र है भारत में, जो भी खासतौर पर लोग हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन करता है उसका चरित्र यही है। अपने देश में कुछ नहीं बोलेगा चाहे कोई भी मर जाए, लेकिन दूसरे देश में कुछ होता है उस पर खूब ज्ञान देगा। और फिलिस्तीन के लिए देखिए क्या ट्वीट किया है, खासतौर पे हिंदुस्तान के तमाम लोग फिलिस्तीन का साथ दे और इसराइल को घेरे, ये कैसा ट्वीट है भैया, ये तो हद हो गया ना, अपने देश में आप कुछ नहीं बोलते हैं, विदेशों के लिए बड़ा ज्ञान बांटते हैं। दोस्तों इस तरह के बात कंगना रनौत ने कहा और बोला कि देशवासियों इस शख्स को पहचान लो, हमारे देश में ऐसा बहुत शख्स है जो अपने आप में अपने देश में नहीं बोलेगा, विदेशों पर खूब ज्ञान देता है। दोस्तों उसके बाद इमरान खान दोस्तों बौखला गया, उन्होंने फिर ट्वीट किया, बोला कि ये हीरोइन नहीं है, ये देश में दंगा करवाना चाहती है, कंगना रनौत खासतौर पर देशद्रोही है, खासतौर पर उसका इल्ज़ाम वो भुगत रही है, खासतौर पर ट्विटर ने उसे सजा दे दिया है, ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है, कंगना को शर्म आना चाहिए, कंगना के साथ कोई नहीं है, न भारत के लोग हैं न विदेश के लोग हैं, कोई नहीं है, कंगना अकेला है और कंगना मेरे से पंगा लेगा, हम तो देश का एक आइकॉन है, हमने हमेशा देश के लिए खेला, देशवासी हमें प्यार करता है। दोस्तों इस तरह की बातें इरफान पठान ने शेयर किया, लगातार कई ट्वीट किया, खासतौर पर कंगना को घेरने का कोशिश किया, लेकिन बड़ी बात तो यह है, कहते हैं ना भगवान घर में देर है अंधेर नहीं, इरफान पठान को कई सारे हिंदुस्तान ने खूब घेरा, बोला कि भाई चुप हो बस करो मेरा मुंह मत खुलाओ। दोस्तों भारत का जो आम लोग है उन्होंने ट्विटर पे रिट्वीट किया, बोला कि इरफान पठान का सच्चाई आज पता चल गया है, आखिरकार फिलिस्तीन से इतना प्यार क्यों है भैया, भारत से कोई प्यार नहीं, भारत में बंगाल है, बंगाल में जो हुआ उस पर आप चुप क्यों थे। दोस्तों भारत के लोगों ने इरफान पे खूब बरसा, बड़ी बात तो यह है कि कंगना के समर्थन में हजारों लोग आ गया, खासतौर पर इंस्टाग्राम पे सबने बोला कि कंगना हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इसी प्रकार से घेरते रहो। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि कंगना एक मात्र ऐसा एक्ट्रेस है, हीरोइन है, जो ओपनली खुल के बोलती है, ना उससे जान का डर ना कभी कुछ बोलने का डर, बिंदास देश के लिए बोलती है, हर मुद्दे बोली है, हर समय बोली है। दोस्तों गर्व होता है हिंदुस्तानियों को कंगना पे, क्योंकि दोस्तों कंगना ने हमेशा बार बार साबित किया है कि वह एक लड़की है, लेकिन काम कैसे करता है, एक शेर जैसा काम करता है, सिंपल सी बात है, उसके अंदर हिम्मत, दोस्तों हिम्मत खासतौर पर 100 गुना आम लोगों से अधिक है, सिंपल सी बात है, कंगना ने किसी मुद्दे पर पीछे नहीं हटा है, और इसीलिए दोस्तों कंगना से सब जलता भी है। और खासतौर पर इरफान पठान ने कंगना को नीचे दिखाने की कोशिश किया, लेकिन हमारे भारत के लोगों ने इरफान पठान को खूब जम के मजाक उड़ाया, बोल दिया भाई तुम लोग का क्या चरित्र है हमें पता है, आखिरकार अपने देश में सो जाते हो, विदेशों से बहुत प्यार है, फिलिस्तीन से बहुत प्यार है, फिलिस्तीन से हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है उतना खास, तो आखिरकार उसके लिए हम क्यों बोले, और आखिरकार हम लोग इजराइल के लिए क्यों चुप रहे। दोस्तों आम लोगों ने बोला कि आपको क्या जरूरी है, आप तो बोलते हैं हम क्रिकेटर है, देश के लिए खेलते हैं, तो आप इस मुद्दे में क्यों कूदे, अभी तक तो भारत सरकार कुछ बोला भी नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इरफान पठान का अपना गलती खुद ही दोस्तों बहुत भारी पड़ चुका है। और बड़ी बात तो यह है, भारत में कुछ लोग हैं अब बोल रहा है कि देखो भारत में क्या हो रहा है, भारत में किसी का बोलने का अधिकार ही नहीं है, इरफान तो केवल थोड़ा सा ट्वीट किया, कंगना उसे घेर दिया, आखिरकार भारत में कौन बोलेगा, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। दोस्तों इस तरह की बातें बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलना शुरू कर दिया है, बोल रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म होने वाला है, अब तो हर मुद्दे पर लोग केवल घेरता ही घेरता, दोस्तों इस तरह की बातें बोल रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों, जब आप अपने घर में नहीं बोलते हैं तो बाहर बोलने का कोई आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है।